शॉपिंग करने के लिए तो निकल गए, अच्छा खासा निकले, शॉप पे पहुंच भी गए, बट पहुंचने के बाद जो है बारिश होने लगा। और मैं ब्लॉग बनाने के लिए राखी जान को खिला रही है जबकि आपने पता है। ऐसी अजीब लड़की आपने पहली बार देखी होगी जो बरसात में मेला घूमने का जिद कर गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर न्यू व्लॉग। मैं अपने घर आ चुकी हूँ और मैं सुबह उठ के फ्रेश वगैरह हो चुकी हूँ। अब जो है जा रही हूँ पूजा करने के लिए। सो छत पे आई थी कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े सुखाना जो है मैंने हो चुका है और अभी जो है फटाफट से पूजा का बर्तन धोकर पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मेरे को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए रेडी करना है। मैंने जो है पूजा कर लिया है, अब चलती हूँ नीचे नाश्ते का तैयारी करने के लिए। आज जो है नाश्ता में मैंने बनाया आलू पटल का भुजिया और साथ ही रोटी। यहाँ पे मेरा नाश्ता बनके रेडी है, अब चलती हूँ फटाफट से सबको सर्व कर देती हूँ। नाश्ता करने के बाद जो है मैंने थोड़ा टीवी देखा, थोड़ा बैठ के टाइम पास किया सबके साथ। उसके बाद जो है मैं सीधा लंच बनाई और लंच में मैंने बनाया दाल चावल पापड़ और साथ में आलू बरबट्टी की सब्जी। तो अभी जो है लंच का भी टाइम हो गया और हम लोग सभी लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए। दोपहर को जो है लंच करने के बाद हम लोग रेस्ट किए, रेस्ट करके उठे, फिर मैं फ्रेश होके कुछ शाम को पूजा करती। पूजा करने के बाद मेरा चाय नाश्ता भी सबको देना लेना कंप्लीट हो गया है और अभी मैं और ये निकल रहे हैं बाहर थोड़ा शॉपिंग करने के लिए लड्डू गोपाल जी के लिए, क्योंकि कल जन्माष्टमी है और इनका तो मजा आएगा। हो गया आपका रेडी मेरा देव, हम हमेशा रेडी, ऑलवेज हम लोग रेडी रहते हैं। हम लोग एक घंटा से बोलते बोलते अब जाके रेडी हुए। अरे ये एक घंटा से रेडी हो रही थी, हम 5 मिनट में रेडी हो गए। तो ये तो हम लोग का टैलेंट रहता है हमेशा। देखो एकदम फ्रेश लग रहा है ना, देखो कहीं से भी लग रहा है। हम क्या लग रही हैं, हम भी तो फ्रेश ही हैं। नहा के फ्रेश हो रही हूँ, हम लोग बिना नहाए फ्रेश लगते हैं। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल काफी लेट हो रहा है, हम लोग निकलते हैं। मम्मी आ रहे हैं, यहाँ मम्मी नाश्ता करती हुई और पापा चंदा 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 मानी मानी चलो जल्दी से। शॉपिंग करने के लिए तो निकल गए, अच्छा खासा निकले, शॉप पे पहुंच भी गए, बट पहुंचने के बाद जो है बारिश होने लगा। छाता लेके खड़े होके शॉप कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैंने गोपाल जी के लिए पगड़ी पसंद किया, काफी जल्दी मिल गया, एकदम जल्दी मिल गया, मतलब लग भाई चांस जो नहीं बोलते वैसा वाला सीन हुआ है, मतलब डूब और फटाफट। मैं तो आधा भीगी क्या देख पा रहे होंगे, छाता लेके फोन भी भीग जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर फटाफट से शॉपिंग करते, क्योंकि बारिश में ब्लॉग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है और ये कैमरा में पानी लगा हुआ है जिस वजह से कैसे दिखाई दे रहा था। तो फिलहाल फटाफट से शॉपिंग करते हैं, बिल पेमेंट करते हैं और घर के लिए निकलते हैं, वरना बारिश बहुत तेज का आ गया है। बारिश हो रहा है, मैं यहाँ पर जो है छाता लेके राकिता का इंतजार कर रहा हूँ और राकिता वहाँ पर जो है उस पार पे श्री कृष्ण जी का जो है कुछ और देख रही है, वहाँ पर खड़ी है राकिता। फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर जो है बारिश काफ़ी जोरों का हो रहा है, मेरा बाइक पूरा भीग गया है और बारिश अभी रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। मतलब हम लोग निकले और बारिश स्टार्ट हो गया, पता भी नहीं चला कब बारिश स्टार्ट हुआ, मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। सारा दिन इतना गर्मी पड़ा और अभी बारिश होकर हल्का हल्का जो है मौसम अच्छा हो गया है, गर्मी तो नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है मुझे, छाता पकड़ अजीब लग रहा हूँ मैं। फिलहाल आ जाए राखी का पटापुर से मुझे लेने के लिए, तो मिल जाए। तो यहाँ बारिश में जो हम लोग का फुचका पार्टी चला है और मैं ब्लॉग बनाने के लिए राखी जाम को खिला रही है जबकि आपने पता है। फिलहाल बड़े बड़े फुचका का मजा लेते हैं। बारिश तो एकदम खराब कर दिया, पूरा खराब कर दिया हम लोग का जो भी व्लॉगिंग का प्लानिंग था सब खराब कर दिया बारिश ने। हाँ एक भाई ऐसी अजीब लड़की आपने पहली बार देखी होगी जो बरसात में मेला घूमने का जिद कर गई। हेलो, घूमने नहीं आए, सामान लेने आए। अच्छा बरसात में कौन मेला आता है? देखो बरसात में कोई नहीं है, मेला पूरा खाली है, पूरा चारों तरफ खाली, इंसान ज़्यादा नहीं दिख रहा है, बट राखिता नाच रही है। सामान चाहिए वो मिल जाए तो मेरा मेला आना सफल हो जाएगा और शायद हो ही जाएगा। हो जाएगा देख लो, देखते हैं। हम यहाँ पर जो है घर आ चुके हैं और बारिश में भीग गए। राखिता यहाँ पर जो है सबसे पहले अपना बजा लगा दिया, अकेला जो है ये मेला में गोल किया है। हाँ अकेला, मेला में कोई नहीं था बारिश में, और ये जो शॉपिंग की है क्या क्या किया, कितना 430 रुपए का, 430 रुपए का बताओ, इतना
और यहाँ पर क्या लिया राखिता, राखिता लिया यहाँ पर कार्स, एरोप्लेन सब सजाने का, और साथ साथ यहाँ पर कल दिखेगा अच्छा, और यहाँ पर जो कपड़ा ये तो पहनाने के बाद जो सुंदर दिखेगा, वैसे नॉर्मली दिखाने पे तो सुंदर नहीं दिखता है ना। अच्छा अच्छा कल। सो गाइस ये था आज का एक छोटा सा ब्लॉग। अभी जो है मिसेस जाएगी हम लोगों के लिए किचन में जो है डिनर रेडी करने के लिए। तो आज का ब्लॉग जो है यहीं पर ही एंड करेंगे। होपफुली आपको आज का ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मम्मी जो है यहाँ पर खेलने में व्यस्त देख पा रहे होंगे। सो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बने रहिए राहुल जसवंत ब्लॉग के साथ।